इस वीडियो में आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि नवंबर 2020 में डीएलएड 2018 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जो कि बैक की वजह से तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हुए थे उनके समय पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि तृतीय सेमेस्टर नवंबर 2020 में पूछे गए अन्य सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए और तृतीय सेमेस्टर के गणित के पूरे पाठ्यक्रम को डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही अगर आप संस्कृत और गणित के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो सबके डेडिकेटेड वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया है 125/64 के घन का आधार है। 125/64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होता है 5/4 का होल क्यूब, क्योंकि देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, 4 का 164 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि घन का आधार क्या है, ये घन हो गया और इसका आधार यही है 5/4, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 5/4 सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिए एक मान लीजिए वृत्त है और यहाँ पर कोई एक बिंदु है वृत्त पर, ठीक है, बिंदु से खींची जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो स्पर्श रेखा ऐसे ही कुछ खींचेंगे। अब स्पर्श रेखा की ये प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस पर लंबवत होती है यानी कि 90° का कोण बनाती है और ये संभव है सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा के साथ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 1। लेकिन यही प्रश्न में अगर थोड़ा घुमा दिया रहता, देखिए स्पर्श रेखा से संबंधित 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला, वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर यही बोल दे कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो इनकी संख्या 2 हो जाती, ठीक है। और तीसरा एक और प्रश्न आता है कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से होते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत, इस बिंदु से होते हुए अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु रहेगा। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा था, वृत्त पर स्थित है, ये बिंदु जो है वृत्त पर ही स्थित है तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस वजह से दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 1 सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था एटीएम का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तीसरे का चौथा ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले एक घनाकार बॉक्स बनाते हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक घन है, घन की प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी कि ये जो फलक होंगे ये एक वर्ग बनेगा। फलक क्या होता है, तो ये देखिए ये जो अभी इस समय जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका छत देखिए तो यही आपका होगा कुछ, ठीक है, और अगर उसके फर्श की बात की जाए तो ये कुछ होगा, ठीक है। और चूंकि ये जो कमरा है यहाँ पे बॉक्स की बात की जा रही है, आप एक कमरे को एज्यूम करिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर ये सभी भुजाएँ बराबर होंगी यानी कि ये जो एक वर्ग का निर्माण करेगा, ठीक है, और अगर भुजा बराबर है तो यानी ये सब फलक यानी कि सभी वर्ग का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, और यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ की, यानी कि एक छत एक फर्श, ठीक है, इसके अलावा 4 दीवार यानी कि 6 कुल एरिया बनेंगे वर्ग का, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक भुजा की माप का आपको दी गई है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अगर इस यूनिट को पूरे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक भुजा मान लिया मैं ए मान रहा हूँ तो उसका माप क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर + 30 यानी कि 130 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये वर्ग बन रहा है तो इस वजह से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 130 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और जीरो की वजह से 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल आया हुआ है वो एक फलक का आया हुआ है, एक छत का या फिर एक फर्श का, और कुल हम लोग फलक कितने गिने थे, 4 दीवार हो गए, एक छत हो गया एक फर्श हो गया यानी कि 6, यानी कि जो एरिया आया हुआ है इसमें 6 से हमको गुणा करना होगा, तो 6 × 16900 जब आप करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 101400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया गया है, इस वजह से चौथे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था x³ + 2x² + 5x
प्लस 10 का गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर अगर आप प्रोसेस से चलेंगे तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बहुविकल्पी में, ये प्रश्न आने की वजह से ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए सभी जगह जो चिन्ह दिए गए हैं वो सभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर देखिए निगेटिव वाला जब आप गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस जरूर आएगा, इस वजह से ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सभी चिन्ह जो हैं पॉजिटिव हैं। जहाँ माइनस वाला ऑप्शंस दिया गया है उसको तो आप पहले ही काट दीजिए, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए पहले ऑप्शन का एक बार मिलान कर लेते हैं। x का जब स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, x का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 5 का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि देखिए गलत है, 5x स्क्वायर इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा सिर्फ दूसरा ऑप्शन। यहीं से उत्तर सही होगा, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जब x में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब मिल गया, एक्स स्क्वायर का जब 2 में गुणा करेंगे 2x मिल गया, 5 का जब x में करेंगे तो 5x मिल गया, और 5 का जब 2 में करेंगे तो 10 उत्तर मिल जाएगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था log बेस 5 625 इज इक्वल्स टू 4 को घातांकीय रूप में लिखिए। इसको घातांकीय रूप में लिखने का नियम आप जानते होंगे कि जो आधार होता है, बेस होता है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका आधार। इसके बाद से बराबर के बाद जो नंबर होता है, डिजिट होता है, उसको इस आधार के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं, और फिर बराबर लिख करके जो वैल्यू यहाँ पर होती है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसका घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, 5 पर घात 4 बराबर 625। सातवां प्रश्न है कि समुच्चय a बराबर x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 5, जहाँ x विषम संख्या है, और b एक समुच्चय है जिसमें अवयव दिए गए हैं 2, 3, 5 और 1। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा जा रहा है, यानी कि दोनों समुच्चय में कौन सा अवयव कॉमन है, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ए को डिफाइन करना होगा, क्योंकि ए का अवयव इस फॉर्म में नहीं दिया गया। तो चलिए डिफाइन करते हैं, ए एक समुच्चय है, इसमें कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि जो इसके अवयव हैं, जो एक्स है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती हैं, 1, 3, 5, इसके आगे क्या 7 आप लिख पाएंगे, तो आप 7 नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेंज डिफाइन किया गया कि जो x की वैल्यू है वो 5 के बराबर है। ये सिंबल क्या कह रहा है कि 5 के बराबर है, और ये सिंबल कह रहा है कि 5 से छोटा है। 5 के बराबर हमने ले लिया, और 5 से छोटे जितने विषम संख्या हैं सभी को हमने इस समुच्चय का अवयव बना दिया। साथ ही अगर b समुच्चय की बात की जाए तो इसके अवयव आपको पहले से दे रखे हैं कि 2, 3, 5 और 1 हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा, यानी कि दोनों समुच्चय में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक अवयव है, इसमें भी एक अवयव है, यानी कि ये कॉमन हो गया, तो ये आपका एक समुच्चय का अवयव हो जाएगा। इसके बाद से देखिए इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, जी बिल्कुल इसमें भी 3 है, तो ये भी एक समुच्चय का अवयव हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉमन है। इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, ये दोनों कॉमन है, तीनों कॉमन हो गए, यानी कि 5 हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसमें कोई अवयव नहीं बचा, लेकिन इसमें 2 बचा है, अगर इसमें 2 रहता तो हम 2 को भी लिख देते, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 अवयव ही कॉमन थे दोनों में, इस वजह से हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी वो समुच्चय 1, 3, 5 आएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों में क्या अनुपात होगा। देखिए 25 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं तो आपसे अनुपात क्या पूछा जा रहा है, काम करने वाले, यानी कि 200 में से 25 जब घटा देंगे तो आपका 175 व्यक्ति बचेंगे जो कि उस दिन काम किए थे, क्योंकि 25 एब्सेंट थे तो 175 ही सिर्फ काम करेंगे। तो बोल रहा है काम करने वाले तथा काम ना करने वाले। अब काम ना करने वाले की संख्या कितनी थी, 25 थी, क्यों, क्योंकि वो एब्सेंट थे। ना करने वाले व्यक्तियों में क्या अनुपात होगा, तो इसको आप 25 से जब काट देंगे तो देखिए 25 × 6 = 150 और 25 × 7 = 175, तो ये हो जाएगा 7:1, इसका उत्तर हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 14 में x + 3 से भाग कर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाग देने की विधि आप जानते होंगे, x + 3 हम मैंने यहाँ लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 14 यहाँ लिख दिया। अब देखिए x को हम एक्स स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, तो जब x से गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका पूरे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, यानी माइनस घटा देते हैं,
ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 एक्स शेषफल बच जाएगा। इसके बाद 14 यहाँ से उतार लेंगे। अब देखिए एक्स है, हमको 4 एक्स करना है, तो 4 से अगर हम लोग एक्स में गुणा कर दें तो 4 एक्स आ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस 4 यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एक्स, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब फिर से इसको घटाएंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, 14 में से 12 जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी ये जो 2 बचा ये आपका क्या बच गया, ये बच गया शेषफल, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 4 जो बचा ये आपका क्या हुआ, ये हो गया भागफल, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए P यानी कि मूलधन आपको कितना दिया गया है, 5000 रुपीस, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R आपको दिया गया है 10% वार्षिक। आगे पढ़िए, 3 वर्ष यानी कि समय जो दिया गया है, T या फिर इसी को N भी बोलते हैं, इसका मान दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है। तो आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, या फिर यहीं पे T भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए सबकी वैल्यू दी गई है, P का मान कितना हो गया, 5000 आपको दिया गया है, 1 प्लस आर का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, बट्टे 100, और n या फिर T का मान कितना है, 3 है, 1 से 1 कट गया। अब यहाँ से जब LCM लेंगे तो 10 प्लस 1 11, यानी 11 बटे 10 हो जाएगा। तो 5000 गुणे 11 बटे 10 का क्यूब है, यानी कि 11 बटे 10 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, 3 बार गुणा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे घन था, गुणे 11 बटे 10, 1, 2, 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। उसके बाद से देखिए ये हो जाएगा 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121, और ये 55, यानी कि 55 गुणे 121, इसका मान आ जाएगा 6655 रुपया मिश्रधन हो जाएगा आपका 3 वर्षों में, ठीक है। आपसे मिश्रधन ही पूछा गया था तो इतना उत्तर आ जाएगा। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया रहता तो ये मिश्रधन आया, इसमें से आप मूलधन घटाते तो जो रुपया आता घटाने के बाद से वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता, लेकिन प्रश्न में सिर्फ मिश्रधन पूछा है तो इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि 2.5 अनुपात एक्स समानुपात 1.25 अनुपात 2.5 हो तो एक्स का मान ज्ञात करिए। ये देखिए ये समानुपात का नियम आप जानते होंगे कि अंतिम जो पद होते हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं और बीच वाले मध्य पद का आपस में गुणा कर देते हैं, या फिर आप ये बट्टे ये वाला पद बराबर ये बट्टे ये वाला पद कर देंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। चलिए बाह्य पद जो है उनका गुणा कर देते हैं आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5 गुणे 2.5, ठीक है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि एक्स गुणे कितना हो जाएगा आपका 1.25। यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625, यानी कि 6.25 डिवाइडेड बाई 1.25, ये वाला मैं इधर भाग में पक्षांतर कर दिया। यहाँ पर देखिए ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए चित्र में ये इसका वृत्त का केंद्र हो गया। आगे पढ़िए, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी यानी कि ये जो चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो चारों शीर्ष होते हैं वो परिधि पर होते हैं, जो कि दिया गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि ए डी सी बराबर 140 अंश, ए डी सी यानी ये वाला कोण 140 दिया गया है, तो कोण बी ए सी, बी ए सी ज्ञात करिए, यानी ये वाला जो कोण होगा इसकी मान आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये बोला गया कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि आमने वाले कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। आमने सामने वाले जो कोण होंगे, इस कोण के सामने कौन सा कोण है, बी कोण है। अगर ये 140 है तो 180 में से 140 घटा देंगे तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 अंश का, ठीक है। और एक और प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। देखिए ये केंद्र था तो ये मिलाने से ये क्या हो गया, ये इसका व्यास हो गया। व्यास वृत्त को दो भागों में बांट देता है, यानी कि एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक अर्धवृत्त ये हो गया। तो प्रमेय ये कहता है कि अर्धवृत्त में परिधि पर स्थित कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, यानी कि इस त्रिभुज की अगर बात की जाए तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए
अब एक प्रॉपर्टी और आप जानते होंगे कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। त्रिभुज देखिए ए बी सी, इसमें तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 और 40 जोड़ करके 130 हो जाते हैं, 180 में से 130 घटाएंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा 50 अंश, और इसी कोण की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला प्रश्न, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया गया है 2 to the power -2 माइनस माइनस 2 to the power -3 माइनस 2 to the power -2 माइनस 3 to the power -2 और ये ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 घात है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस और 1/2 हो जाएगा यानी कि 1/8 हो जाएगा। माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/2 यानी कि 1/4, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/3 यानी कि 1/9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस 1/8 माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले ये छोटे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसको एज इट इज हम लोग उतारते चल रहे हैं, माइनस माइनस 1/8, ये देखिए 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा आपका 5/36, और ये माइनस पहले का है, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद से फिर 1/4 ऐसे ही उतार देंगे, माइनस यहाँ पर 36 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 72 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 बार में ये जाएगा तो माइनस 9 माइनस, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा, और 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ब्रैकेट में हो जाएगा आपका माइनस 19/72, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 1/4 ऐसे ही उतर जाएगा, और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 19/72। 4 और 72 का एलसीएम 72 हो जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 18 बार में प्लस 19, ठीक है। इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 37/72 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न दिया गया, 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 to the power -2 डिवाइडेड बाई 2 to the power -3। इसको देखिए सबसे पहले हम लोग आधार बराबर करने की कोशिश करेंगे, यानी 2/5 गुणे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख देंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। पर घात पहले से कितना है, माइनस 2 है, डिवाइडेड बाई 2 to the power -3, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 और घात पर घात होता है तो आपस में गुणा हो जाता है, गुणे 2/5, ये कितना हो जाएगा, 4 × -2 यानी कि -8, और नीचे भाग है तो बट्टे कर देंगे, और 2 to the power -3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब सबका आधार समान है, तो जब गुणा रहता है तो वो जुड़ जाता है, और जो भाग में होता है वो घट जाता है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 to the power 5 और उसके बाद से ये गुणा है तो आपस में जुड़ जाएगा, यानी माइनस 8 हो जाएगा, माइनस था तो इस वजह से चिन्ह के साथ आएगा, और ये भाग में है तो ये घट जाएगा, माइनस हम करेंगे, और पहले से माइनस 3 था। यहाँ पर देखिए 2 to the power ये हो जाएगा 5 - 8 और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए 5 × 3 = 8 और 8 में से 8 घटेगा तो 2 to the power कितना बचेगा, 0 बचेगा, और किसी भी आधार पर घात 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। 16वां प्रश्न है, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपये है, यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया गया, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था, 15,625 रुपये था, ठीक है। प्रति वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, कितना, 8% से घट रहा है, ठीक है, रेट घट रहा है, इस वजह से मैं माइनस लेकर के चल रहा हूँ। माइनस का मतलब ये शो कर रहा है कि प्रति वर्ष इतने रेट से उसका दाम घट रहा है। उसके बाद से देखिए 3 वर्ष बाद टी या फिर एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 ईयर्स दी गई है, उसका मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। यहाँ पर देखिए अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। देखिए पहले वर्ष में जो गिरावट आएगी वो उस वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, और फिर उस पर भी गिरावट लागू होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस वजह से आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, a = p ब्रैकेट में 1
यहाँ पर माइनस लेगा, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस था, ठीक है। उसके बाद से आर अपॉन 100 टू द पावर एन या फिर टी, ठीक है। अब सबकी वैल्यू दी गई, आप रख दीजिए 15625 और ये 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 8 दिया गया बटे 100 और यहाँ पर पावर एन का मान कितना है, 3 है। अब देखिए ये हो जाएगा 15625 और ये हो जाएगा 100 में से 8 जाएगा 92 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 to the power 3 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 बचा 4 3 12, 23 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। अब देखिए ये 15625 पहले से है, गुड़े 23 तीन बार क्यों गुणा किया, क्योंकि घन था, बटे नीचे भी 25 गुड़े 25 गुड़े 25 हो जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 12,167 रुपये। ये क्या शो कर रहा है, ये मिश्रधन लेकर के हम चल रहे थे, यानी कि 3 साल बाद जो उस टेलीविज़न की जो प्राइस रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 12,167 रुपये। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या है कि कितनी गिरावट आएगी। अब देखिए पहले हमारा प्राइस इतना था, अब प्राइस इतना हो गया, तो गिरावट हम लोग कैसे निकालेंगे, गिरावट निकालेंगे कि पहले का प्राइस कितना था 15,625 और अब प्राइस कितना हो गया 12,167, इन दोनों में से घटा देंगे तो गिरावट निकल जाएगी 3,458 रुपया। यानी कि 3 वर्ष बाद उस टेलीविज़न के मूल्य में कुल गिरावट जो होगी वह 3,458 रुपये की होगी। 17वां प्रश्न है, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, मतलब गुटके कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए एक बड़ा सा घनाभ है और उससे काट करके छोटे छोटे अलग मतलब एक ही साइज़ के कई घनाभ बनाए जा रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि कुल कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा वाला जो घनाभ है और जो छोटे छोटे घनाभ बनेंगे उन सबको जोड़ दिया जाए तो आयतन दोनों का समान होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम ले करके चलेंगे, सबसे पहले बड़े वाले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, ठीक है। ये बड़े वाले घनाभ का हम लोग निकाल रहे हैं, लंबाई कितना था 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना था 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना था 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 15 × 5 = 75 यानी 75 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 5,625, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये किसका आयतन आ गया, बड़े वाले घनाभ का, ठीक है, बड़े घनाभ का आयतन है ये। अब इसी प्रकार से छोटे घनाभ का आयतन निकाल लिया जाए, तो उसके लिए छोटे घनाभ का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई होगा। लंबाई देखिए कितना बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है और ऊंचाई की बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि कुल कितने गुटके बनेंगे, कितने गुटके बनेंगे, तो जो बड़े वाला घनाभ का आयतन था जो कि 5,625 आया, उसमें छोटे वाले घनाभ के आयतन से भाग दे दें तो कुल संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। देखिए बड़े घनाभ का आयतन कितना है 5,625 डिवाइडेड बाई छोटे घनाभ का आयतन कितना है 45 है, जब इससे आप भाग देंगे उत्तर प्राप्त होगा 125 गुटका। यानी कि जो छोटे साइज के घनाभ बन रहे थे उनकी कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी और यही आपका उत्तर होगा। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, 15x⁴ +3x⁻²-18 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न उतार लेते हैं, क्या दिया गया, 15x⁴ +3x²-18। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन हो रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए, 5x⁴ प्लस यहाँ पर x² हो जाएगा माइनस 3, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 6 बच जाएगा, देखिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणा करते हैं a और c का और उसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर x² वाले का गुणांक आना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 × 5 = 30 और 6 में से 1 घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 6 × 5 = 30 और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी आपका सेट हो गया, क्या हो जाएगा 5x⁴ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² फिर −5x² - 6, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले लेंगे, तो x² कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 5x² और प्लस यहाँ पर बच जाएगा 6,
यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बच जाएगा 5x² प्लस का 6। देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाले कॉमन हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर मैं एक कॉमन ले ले रहा हूँ 5x² प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x² और यहाँ पर -1। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद से देखिए 3, इसको एज इट इज उतार देंगे 5x² प्लस 6, और यहाँ पर देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 1। ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर जो कि नवंबर 2020 में प्रश्न पत्र पूछा गया था गणित का, वो पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही तृतीय सेमेस्टर नवंबर 2020 के अन्य सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। और अगर आप गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आप संस्कृत के सभी पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का सॉल्व देखना चाहते हैं और गणित के पिछले 5 वर्षों का सॉल्व देखना चाहते हैं तो सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इस वीडियो के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।